हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लर्थ एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GNTST और PNST 2017 का इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का पेपर। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप इंग्लिश को कर सकते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, और एक नंबर भी आपका एग्ज़ाम में कटने वाला नहीं है। तो जो लोग अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इजी पेपर आता है आपका, और एक बार अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो गई, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि समस्या कहाँ पर होती है हमारे साथ। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसके बाद में एक बार चेक करिएगा कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ इंग्लिश में जैसे कि हम लेके आ जाएंगे 10 तो 15 तो, लेकिन आपको पता है कि एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तो इतनी बड़ी रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके चार ऑप्शन होते हैं, है ना, ए बी सी और डी, और इसमें मैं आपको ये पूछता हूँ कि भैया बस आपको इसका जो है, अब इसमें भैया तो होंगे नहीं, सारी बहनें ही होंगी, क्योंकि GNTST का पेपर भैया तो देते नहीं हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन चारों में से सही स्पेलिंग बताओ, GRAMAR और GRAMER, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। अब मान लो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सभी बहनें अपना अपना जो आंसर है वो अपनी कॉपी में लिख लें पहले, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया होगा जो भी आपका आंसर है, ठीक है। अब आप मिला लीजिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर ए ही लगाया है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लोड तो लेना है पर इतना ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उनकी ग्रामर ठीक ठाक है। लेकिन जिन्होंने आंसर ये लगाया है तो आप खुद देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। आपके पास अगर कोई बुक है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और ये अगर आप गलत करके आते हैं तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं ये किस तरीके से गलत होंगे। तो हमको एक भी नंबर नहीं कटने देना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके क्वेश्चन जो इससे थोड़े से लेवल के होते हैं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। हालांकि ये इजी नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा था जो अच्छे अच्छे लोग इसका आंसर गलत लगाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है पहला, ही डाइड हार्ट फेल्योर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर हार्ट फेल्यूअर, अगर कोई आदमी किसी डिसीज से मरता है, किससे मरता है, डिसीज से, कोई बीमारी से, तो ऐसे केस में हम लगाते हैं उसके साथ में ऑफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ही डाइड ब्लैंक कैंसर, अगर यहाँ पर कैंसर होता तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कैंसर के अलावा किसी और चीज़ से, जैसे कि ओवर ईटिंग या फिर जैसे हार्ट फेल्यूअर, अब हार्ट फेल्यूअर कोई बीमारी नहीं है भैया, एकदम हार्ट फेल हो गया और आदमी मर गया, तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो अचानक से आपने देखा होगा किसी को अचानक से एकदम हार्ट फेल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में, हार्ट फेल्यूर के केस में हम लगाते हैं क्या, ऑप्शन फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से सोल्व हो जाता है, आपको पीछे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लो किसी को अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये, तो इसको छोड़ के आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे, नाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्यूसडे नाइट, ठीक है। तो ट्यूसडे नाइट लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक चीज़ होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक होता है डे और एक होता है डेट, ठीक है, और एक होता है मंथ और एक होता है ईयर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में डे और डेट आता है तो हमको वहाँ पर ऑन लगाना रहता है, लेकिन यदि मंथ और ईयर आता है तो वहाँ पर हमको इन लगाना होता है, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डे आ रहा है, तो डे के केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, डे के केस में हमको लगाना पड़ेगा ऑन। तो अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि पीछे ऑन अगर देखा जाए तो बस यहाँ है। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऑन, और ये एक नंबर हमारा पक्का हो गया सेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू गो वॉकिंग, अब देखिए जो गो के बाद जो वॉकिंग आ रहा है ये होता है जीरंड फॉर्म, यहाँ पर एक तरह से पार्टिसिपल है ये, ठीक है। इफ़ यू गो वॉकिंग अराउंड द फैक्ट्री, ठीक है, एनश्योर यू वियर क्लोथिंग, तो यू वियर क्लोथिंग, अब क्लोथिंग यहाँ पर जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है। अब क्लोथिंग कौन से पहनना है, तो ये यहाँ पर चार जो ऑप्शन हैं ये आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, प्रोटेक्टिंग खुद अपने आप में एक नाउन है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ये हो सकता है, प्रोटेक्टली ये तो एक एडवर्ब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और प्रोटेक्टेड,
तो अब बताओ यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। दो तो ऑप्शन कट गए, एक कट गया और एक और कौन सा कट गया, एल वाई वाला कट गया। ठीक है, अब बचे हमारे पास में दो ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ कि नाउन को कैसे पकड़ना है और वर्ब को कैसे पकड़ना है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए जैसे मान लो मैं आपसे पूछूँ, चलो पहले एक काम करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम, इसका फाइनल आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड जो होता है वो भी एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्लोथिंग नाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो इसके पहले हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे क्लोथिंग, है ना। वो प्रोटेक्टेड मतलब जिन्होंने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, तो सही जवाब क्या होगा, प्रोटेक्टिव। और देखिए आप अगला क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का इजी फंडा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इज उठाना है, वांटेड। मेरा जो कोर्स है, जैसा कि अभी हम लोगों ने GNTST और PNST का एक कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी एग्ज़ाम से पहले, 2 महीने का कोर्स है ये, इसके पहले आराम से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल 999 का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको पूरा वॉइस 3 सेकंड में कैसे करना है, नरेशन, टेंस, जो जो भी आपका सिलेबस है सारा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर क्या मालूम ये कोर्स ले ले हमारा नहीं होगा, तो इसमें इतनी गारंटी भी है कि कोर्स लेने के बाद आप आराम से 10 दिन पढ़ो, और 10 दिन में अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा है कोर्स और हमको लेना चाहिए, तो आप कंटिन्यू करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं लेना था तो आप मुझे एक मैसेज करना इस नंबर पर, ठीक है, तो आपका जो पेमेंट है वो वापस से रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ आपको पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को ज्वाइन करें बेचिंतित होकर। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए इज़ वांटेड, इज़ वांटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपकी एक पैसिव फॉर्म है, इसको रिवर्स में करना होता है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ऑलरेडी इज़ वांटेड आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर वांटेड आ रहा है ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक है डज और एक है डायरेक्ट वांट्स, तो वांट्स, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म का इंट्रोगेटिव बनता है डज डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ रिप्रूव्ड, मतलब रिप्रूव का आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, रिप्रूव का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो देखिए अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड करना, डांटना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको कॉम्प्लीमेंट देना, ऑब्जर्व तो यहाँ पर अलग ही जा रहा है, और चीड़े का मतलब भी होता है एक तरह से स्कॉल्ड करना, और यहाँ पर रिप्रूव का मतलब भी होता है डांटना, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका भी डांटना, तो ये तो दोनों सिनोनिम हो गए। ऑब्जर्व यहाँ पे अलग मीनिंग दे रहा है, और कॉम्प्लीमेंट करना किसी को, तो ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी को एक तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक डांटते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, और डांटने में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल एम्प्लॉइज़, अब देखिए ऑल एम्प्लॉइज़ अगर प्लूरल है तो ए तो आ नहीं सकता, और वैसे भी सब जगह द है, द द द द, तो चलो यहाँ तो फाइनली द आ रहा है, ये तो मेरा काम करनी है। दैट न्यू ऑफिस प्रिमाइसेस, तो अब देखिए बात हो रही है न्यू ऑफिस प्रिमाइसेस, मतलब एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहा है, और स्पेसिफिक में आपको पता है द लगाया जाता है, तो द यहाँ नहीं है इसको पहले ही हटा दो, यहाँ नहीं है इसको पहले ही हटा दो। अब ये और ये में से एक ऑप्शन होगा, अब मुझे देखना है कि पीछे एन आएगा या द आएगा। तो देखो देन प्रीवियस ऑफिस, तो यहाँ पर भी फिर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक कर रहे हैं कि भैया एक तो नया ऑफिस और एक पुराना ऑफिस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वापस से द आ जाएगा, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कटा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कीपिंग पेट कैन इंक्रीज पर्सन्स इमोशंस वेल बींग, अब ये देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कीपिंग पेट, तो यहाँ पर ये सभी पेट को रखने की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि एक पेट को रखना, तो यहाँ पर आएगा कीपिंग अ पेट, तो द हट गया एन हट गया, बचे दो। अब ये चेक करना है कि पीछे एन आएगा या ए, तो पर्सन में प आ रहा है और प क से लेके घ तक में आता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ए, तो सही जवाब क्या होगा अ पर्सन्स इमोशनल वेल बींग। बोल क्लियर है ये, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए और ए, मतलब ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, डू यू हैव फ्लोर टू बेक अ केक। तो डू यू हैव फ्लोर, अब यहाँ पर देखिए एनी कहाँ पर लगता है ना, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और शुड आई गो एंड गेट फ्रॉम द मार्केट, तो ये बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास में आटा है ना टू बेक अ केक, केक बनाने के लिए, या फिर मैं बाजार जाके लेके आ जाऊँ। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो सबसे पहले ऑप्शन काटो, कैसे काटें, फ्यू यहाँ से काट दो, ठीक है। फ्यू काटने से क्या होगा, फ्यू वहाँ पर लगता है जहाँ पर नाउन कैसा होता है, काउंटेबल, तो जो नाउन काउंटेबल होता है वहाँ पर हम लोग फ्यू का यूज़ करते हैं, और जो नाउन अनकाउंटेबल होता है वहाँ पर हम लोग सम का यूज़ करते हैं। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर फाइनली कट गया, और कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर दो। अब और कौन कौन से ऑप्शन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। पहला, अब देखिए पीछे सम तो आना ही है फाइनली सम, पर अब ये चेक करना है कि आगे इसमें एनी लगाऊं, डू यू हैव एनी फ्लोर, डू यू हैव सम फोर फ्लोर, या डू यू हैव इनफ फोर, क्योंकि एक ऑप्शन तो अपना कट गया ये वाला, ठीक है। तो ये या फिर ये, तो पहले आप सोच लो कि इसमें क्या आएगा, है ना। देखिए इनफ जो होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनफ जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है पर्याप्त, काफ़ी। इनफ के सिनोनिम होते हैं क्विट, QUIT, क्वाइट, ठीक है। जैसे अपन कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे सामने वाला बोलता है भैया एक पूड़ी और, तो अपन बोलता है क्वाइट क्वाइट क्वाइट, बहुत है। तो इसलिए ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपके पास में पर्याप्त आटा है, या फिर मैं बाजार से लेना हूँ। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इनफ, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये बोल रहा है कि आई वॉज एट अ पार्टी विथ ऑफ माई फ्रेंड्स। तो विथ ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ भी आ सकता है, सम ऑफ भी आ सकता है, ऑल ऑफ भी आ सकता है, फ्यू ऑफ भी आ सकता है, तो इससे तो काम जम नहीं रहा। आगे बात करते हैं, वेयर द म्यूजिक वॉज गुड एंड द डिशेज वर एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग का मतलब होता है भूख लगना, ऐसी डिशेज जिसको देख के भूख लग जाए, ठीक है। एंड द डिशेज, तो ऑल द डिशेज, मच द डिशेज, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से कट गया, मच वाला तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं, एंड सो द गेस्ट डिड नॉट हैव टू ईट। तो अब देखो ईट बात किसकी हो रही है, एक तरह से खाने की, तो खाना तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू कट गया। देखो ऑप्शन को काटना सीख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, तो पहला कट गया, चौथा कट गया, बचे दो। अब दो में कौन कौन से, दूसरा आएगा या तीसरा आएगा, तो जब ये लिखा है कि टू ईट, डिड नॉट हैव टू ईट, मतलब कि खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सही जवाब आ जाएगा इनफ, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, क्लियर है। अगला देखो, व्हाट टेकिंग द डे ब्लैंक एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड। अब देखिए ये बोल रहा है कि सी साइड में चलें और टाइम को स्पेंड करें, मतलब कि आपका क्या विचार है डे ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएगा, एंड व्हाट अबाउट, क्या विचार है आपका, तो व्हाट अबाउट डे ऑफ, ऑप्शन नंबर दो। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दसवां, चूज द ऑप्शन दैट द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करना है, यहीं से कर लेंगे, वॉज और आई एन जी आ रहा है, तो वॉज आई एन जी का आपको पता है क्या बनता है, वॉज की जगह वॉज ले लो, आई एन जी है इसलिए बींग ले लो, और थर्ड फॉर्म ये ढूंढ लो जहां मिल जाए वो अपना आंसर, यहां नहीं मिल रहा है हटाओ, यहां मिल रहा है ठीक है, यहां पर इसको लगा, यहां पर इसको रोक लो भी, क्योंकि और आगे चेक कर लेते हैं, यहां भी वॉज है, यहां भी बींग है, और यहां भी फॉलोड है, इन दोनों में से चेक करेंगे, इसको भी काट दो। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि द पाथ ऑफ पीस वॉज नॉट बींग फॉलोड बाय द एनिमी कंट्री। तो यहां पर ये देखिए द एनिमी कंट्री आ रहा है, वॉज नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ द पीस, तो इसका मतलब आपको पता है कि पीछे जाके ये क्या बनाएगा, बाय बनाएगा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। बोलो क्लियर है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। इस तरीके से आप एक परफेक्ट वे में अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से इंग्लिश में नंबर ला सकते हैं, और इसके लिए आप हमारा कोर्स जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 9977651282, ठीक है। और इस कोर्स में आपको साथ में PDF जो है सभी, हर देखिए हर चैप्टर के साथ हम कम से कम 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ताकि जो है आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी प्रकार के आपको पुराने पेपर और सॉल्व करवा पाऊँ। थैंक यू सो मच।